जॉन एडवर्ड जॉन्स जहां अपने भाई और परिवार के 11 मेंबर्स के साथ एडवेंचर करने जा रहा था, ऐसा नहीं था कि यह पहली बार था जब यह केव एक्सप्लोर कर रहा हो। बचपन से ही जॉन एडवर्ड केव एक्सप्लोर करता आया था, ऐसे में इन्हें केविंग का ठीक ठाक अनुभव था। लेकिन इसको क्या पता था कि यह एडवेंचर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है। दोस्तों, ये कहानी है नटी पटी केव की। पहले ही बता देता हूं, यदि आप कमजोर दिल के हैं तो ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। ये वीडियो एक रियल इंसिडेंट पर बनाई गई है, जहां जॉन एडवर्ड जॉन्स नाम का बंदा एक यूनिक एडवेंचर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में केव के उस हिस्से को एक्सप्लोर करने जाता है जहां आज तक कोई भी नहीं गया। ये केव में एक ऐसे हिस्से में पहुंच जाता है जो काफी टाइट होता है, जहां वापस मुड़ने के लिए कोई स्पेस नहीं है। उसकी बॉडी रिवर्स डायरेक्शन में केव के इस हिस्से में 70 डिग्री एंगल पर कुछ इस तरह फंस जाती है। जॉन एडवर्ड जॉन्स, जिनका वजन 90 किलोग्राम था, ऐसे में ये एक मिलीमीटर भी अपने आप को हिला नहीं पाता। दोस्तों, नटीपटी केव का ये हॉरिबल इंसिडेंट आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पूरे इंसिडेंट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। नटीपटी केव, जो कि पश्चिम में यूटा लेक के पास यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ती है, ये एक हाइड्रोथर्मल केव है जिसके पैसेज में काफी जगह पट्टी जैसा टेक्सचर और ब्राउन क्ले देखने को मिलता है। इनिशियली इसे सिली पट्टी केव के नाम से जाना जाता था, बट बाद में इसका नाम नटी पट्टी केव रख दिया गया। नटी पट्टी केव जो काफी नैरो पैसेज वे के लिए जानी जाती है, इस केव को एक्सपीरियंस केवर ही सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं। ऐसा नहीं था। 2009 से पहले इस गुफा में कोई भी फंसा नहीं। सबसे पहले 1960 में डेल ग्रीन और उसके दोस्तों ने इस केव को एक्सप्लोर किया। उसके बाद बॉय स्काउट्स, जो इस केव के टाइट और ट्विस्टेड टर्न में फंस गए थे। नटीपटी केव, 24 नवंबर 2009 का दिन, जॉन एडवर्ड जॉन्स, जो कि मेडिकल स्टूडेंट था, छुट्टी पर घर आता है। घर आते ही घर वाले इतने ज्यादा खुश थे, वो इस दिन को खास बनाने वाले थे। ये फैमिली के लोग, जिसमें एडवर्ड जॉन, उसके छोटे भाई, उसकी वाइफ के साथ कुछ और भी मेंबर थे, ये लोग प्लान करते हैं नटीपटी केव को एक्सप्लोर करने का। नटीपटी केव, जिसमें एक जगह थी बर्थ कैनल सेक्शन, ये जगह काफी खतरनाक और टाइट थी, जिसमें एक्सपीरियंस्ड केवर को भी हिप्स और बॉडी के दूसरे पार्ट्स को सिक्वीज करना पड़ता था, तब भी ये केवर यहाँ फंस जाते। ऐसे में रेस्क्यू टीम को इन्हें निकालना पड़ता। इसी के चलते इस केव को बंद भी कर दिया गया था। मार्च 2009 में इस केव को फिर से ओपन किया गया, कुछ नए रूल्स के साथ। रूल ये था, जो भी केव में जाएगा उस ग्रुप के साथ दो एक्सपीरियंस्ड केवर का होना जरूरी था, और 21 दिन पहले अथॉरिटीज से केव में जाने की परमिशन लेना जरूरी था। वो ऐसे में जॉन और उसके छोटे भाई को केविंग का एक्सपीरियंस था, जिससे इन्हें केव एक्सप्लोर करने की परमिशन मिल जाती है। अब ये लोग रात को 8 बजे केव एक्सप्लोर करने पहुंच जाते हैं। ये नटीपटी केव, जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच थी। पहले एक घंटा सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग काफी एक्साइटेड थे। अब जॉन और जोश बिग स्लाइड पर रुक जाते हैं। तभी जॉन और जोश मैपिंग के जरिए डिसाइड करते हैं वो इस केव के बर्थ कनाल सेक्शन को विजिट करेंगे। ये वो सेक्शन था जहां केव काफी टाइट थी, जिसमें सिक्वीज होकर ही आगे बढ़ा जा सकता था। कुछ दूरी तक यहां सिक्वीज पैसेज है, उसके बाद फिर से कुछ दूरी पर और सिक्वीज पैसेज मिलेगा। यदि इससे भी पार कर गए तो फिर आपको थोड़ी जगह मिलेगी जहां सिर्फ इतना स्पेस है कि आप टर्न कर सकते हैं। यही उम्मीद लेकर जॉन और जोश मैपिंग के अनुसार दोनों बर्थ कैनाल में घुस जाते हैं, जबकि असल में ये बर्थ कैनाल थी ही नहीं। ये रास्ता बिल्कुल टाइट था, जहां पर एक्सपीरियंस्ड कैवर को भी जाने की हिम्मत नहीं होती। ऐसे में जॉन और जोश दोनों इस टाइट पासेज में आगे बढ़ते हैं। जॉन बॉडी वाइज काफी हेल्दी था। जॉन अपने शोल्डर और चेस्ट को सिक्वीज करते हुए बर्थ कैनाल से आगे बढ़ रहा था। अब वो पहुंच चुका था कॉर्कस्क्रू रूट। ये रूट सिर्फ एक्सपीरियंस्ड डाइवर ही क्रॉस कर सकते थे, वो भी अपनी स्किल के बलबूते, क्योंकि ये जगह इतनी टाइट थी जिसमें फ्लेक्सिबल सिचुएशन में क्रॉस करना पॉसिबल था। 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क, जो कि 16 साल का था, इस कॉक सेक्शन में फंस गया था, जिसकी हाइट 5 फीट 7 इंच थी और वजन 63 किलोग्राम था। उसे रेस्क्यू टीम द्वारा निकालने में 14 घंटे लगे। अब जॉन एडवर्ड भी इस कॉक सेक्शन को क्रॉस कर रॉक लेस्ट से 90 डिग्री नीचे टर्न होता है। ये केव का काफी टाइट पैसेज था, ऐसे में टर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जॉन को लग रहा था वो बर्थ कैनाल के सबसे टाइट पार्ट में है, आगे वो जगह आएगी जहां उसे वापस टर्न करने का मौका मिलेगा।
ऐसे में जॉन काफी ज्यादा एक्साइटेड था। जॉन को लग रहा था वो जल्द केव के उस पार्ट में पहुंचने वाला है जहां उसे टर्न करने के लिए कुछ जगह मिलेगी। जॉन अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, तभी जॉन स्लिप करता हुआ नीचे जाता है। जॉन ऊपर से रॉक को पकड़ते हुए खुद को रोकने की कोशिश करता है। जॉन अपने भाई जोश को आवाज देता, मुझे फॉलो मत करो, ये जगह काफी डेंजरस है। जॉन के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तभी जॉन को अपनी हेड टॉर्च से होल दिखाई देता है। अब जॉन की उम्मीद जगती है, तभी वो होल में एंटर करता है। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है। तभी वो होल से बड़े स्पेस की उम्मीद करते हुए उसमें एंटर कर जाता है। लेकिन यहां सिचुएशन और भी ज्यादा खराब थी। अब जॉन बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि उसका एक हाथ उसकी चेस्ट के नीचे था जबकि दूसरा साइड में फंसा हुआ था। जॉन खुद को निकालने की कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम होती हैं। अब जॉन समझ चुका था वह यहां बुरी तरह फंस चुका है। जॉन अपने भाई को फिर से आवाज देता, यहां मत आओ। लेकिन जोश, जो कि इसके पीछे ही था, वह कॉक सेक्शन को रिवर्स होकर जाता है ताकि वापसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी जोश कॉक सेक्शन को पार कर रॉक लेस्ट से नीचे की ओर जाता है जहां उसके पैर अपने भाई को छू रहे थे। जोश ने देखा जॉन एक होल में बुरी तरह फंसा हुआ है, इसके दोनों पैर रिवर्स डायरेक्शन में हैं। जोश अपने दोनों पैरों को उसके पैरों में फंसाकर उसे होल से बाहर निकालने की कोशिश करता है। काफी ट्राई करने के बाद भी वह जॉन को बाहर नहीं निकाल पाता। अब वे दोनों इस कोशिश में थक जाते हैं। तभी दोनों तय करते हैं जोश मदद के लिए बाहर जाएगा, तब तक जॉन खुद को शांत रखने की कोशिश करेगा। तभी जोश बाहर जाता है, ये इंसिडेंट सबको बताता है। तभी वहां रेस्क्यू टीम बुलाई जाती है। ऐसे में डॉक्टर्स का कहना था जॉन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में फंसा हुआ है जिसमें उसका सिर नीचे की तरफ और पैर ऊपर की तरफ है, इस कंडीशन में कोई भी इंसान 8 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता क्योंकि उसकी सांसें फूलने लगेंगी जिससे उसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। रेस्क्यू टीम से सबसे पहले जॉन को बचाने के लिए सुसी जाती है, इसके पैरों में रस्सी बंधी होती है ताकि बाहर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सुसी की हाइट 5 फीट 3 इंच थी, सुसी काफी स्लिम थी, ऐसे में सुसी को क्रॉक सेक्शन पर चढ़ने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। सुसी जॉन से 12:30 पर मिलती है। अब तक जॉन को फंसे 3 घंटे हो चुके थे। अब सुसी और जॉन की बातचीत होती है। हाय जॉन, मेरा नाम सुसी है, कैसा चल रहा है? हाय सुसी, थैंक यू फॉर कमिंग, लेकिन मैं सच में बाहर जाना चाहता हूँ। कोई बात नहीं जॉन, आप बाहर निकलने वाले हैं। जॉन प्रोफेशनल रेस्क्यूअर को देखकर खुश था, मैं अब जल्द निकलने वाला हूँ। लेकिन जॉन यहाँ बिल्कुल गलत था, सुसी सिचुएशन देखकर समझ चुकी थी ये इंसिडेंट दूर से जितना आसान लग रहा था असल में बड़ा डिफिकल्ट होने वाला था। सुसी अब जॉन के पैरों को रस्सी से बांधती है और अपने पैरों की मदद से खींचने की कोशिश करती है, लेकिन सुसी की सारी कोशिशें नाकाम साबित होती हैं। अब सुसी भी थक जाती है, बाहर जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सुसी बाहर आती है, बाहर बैठी हुई रेस्क्यू टीम एक प्लान पर काम कर रही होती है। प्लान था केव में पुली सिस्टम लगाया जाए और जॉन को उससे बांधकर मशीन से पुल किया जाए, क्योंकि 5 साल पहले ब्रॉक क्लार्क भी क्रॉक सेक्शन में फंस गया था, उसे भी मशीन पुली सिस्टम के जरिए ही निकाला गया था। केव में पुली लगाना आसान नहीं था, केव बहुत नैरो थी, ऐसे में स्लिम कैवर को अंदर भेजा गया, पुली सिस्टम को केव में इंस्टॉल किया गया। अब तक जॉन को केव में फंसे 12 घंटे हो चुके थे। जॉन की हालत खराब हो रही थी क्योंकि इस पोजीशन में बॉडी का रहना एक लिमिटेड आवर्स तक ही पॉसिबल है, लेकिन जॉन उस लिमिट को भी पार कर चुका था। जॉन का 90 किलोग्राम का शरीर ग्रेविटी से लड़ रहा था। अब जॉन का ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ रहा था। जॉन अपनी चेस्ट को एक्सपैंड कर खुद को रिलैक्स कर रहा था। जॉन की हालत काफी खराब थी, ऐसे में फैमिली वाले भी हेल्पलेस थे। अब टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है। जॉन अपनी वाइफ एमिली से बात करता है, दिलासा देता है कि मैं जल्द बाहर आ जाऊंगा, सब कुछ पहले की तरह होगा। अब तक जॉन को फंसे यहां 16 घंटे हो चुके थे। पुली सिस्टम भी अब इंस्टॉल हो चुका था, पुल करने के लिए मशीन तैयार थी। रेस्क्यूअर रयान अब केव में घुसता है। रयान जॉन से कहता है, हाउ आर यू? इट सक्स, आई एम अपसाइड डाउन, आई कांट बिलीव आई एम अपसाइड डाउन, माई लेग्स आर किलिंग। रयान अब देखता है जॉन की लेग पूरी तरह फंसी हुई है। रयान लेग को ठीक करता है।
उसके बाद अब धीरे धीरे खींचना शुरू करता है। लेकिन जॉन बार बार उन्हें रुकने को बोलता है क्योंकि उनके पैर में दर्द हो रहा था। अब जॉन पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका था, उसका नर्व सिस्टम भी अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुका था। रयान फिर से लेग को सही कर धीरे धीरे जॉन को पुल करता है। अब जॉन काफी ऊपर आ चुका था, इतना कि वो रयान को देख सके। तभी जॉन को एनर्जी ड्रिंक दी जाती है, लेकिन अब जो होने वाला था शायद ही उसका किसी ने सोचा हो। सडनली पुली सिस्टम फेल हो जाता है। एक बोल्ट जो जॉन को पुल करने के लिए एकदम रयान के ऊपर लगा हुआ था नीचे गिरता है, रयान के सिर से टकराता है, रयान बेहोश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता मेरे साथ क्या हुआ, और अब जॉन भी उसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहां वो पहले था। थोड़ी देर बाद रयान को होश आता है। अब उसे बाहर निकाला जाता है और अस्पताल भेज दिया जाता है। अब रयान की जगह केव में जॉन के पिता देव जाते हैं। वे जॉन के पास पहुंचकर पहले पुली इंस्टॉल करता है, जिसमें काफी समय लग जाता है। अब वो जॉन के पैरों को रस्सी से बांधकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन देव जितना समय भी यहां रहता है जॉन को कोई रिस्पांस नहीं आता। अब देव भी थककर वापस बाहर आ जाता है। अब देव की जगह ब्रैंडन ले लेता है, जो कि एक रेस्क्यूअर था। अब यहां एक टेलीकॉम सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है ताकि जॉन की फैमिली जॉन से बात कर सके, लेकिन ब्रैंडन कॉल को यहां कोई रिस्पांस नहीं मिलता। अब जहां कुछ देर पहले सांसों की आवाज आ रही थी वह भी रुक चुकी थी। ब्रैंडन कॉल बाहर आता है। अब रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है शायद जॉन मर चुका है, डॉक्टर्स की टीम को भेजना चाहिए। तभी डॉक्टर की टीम एग्जामिन करती है, होता वही है जिसका अंदेशा था। डॉक्टर की टीम कंफर्म करती है जॉन मर चुका है। 25 नवंबर 2009 की रात 11:56 पर ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाता है जॉन एडवर्ड जोन्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। रेस्क्यू टीम के 120 सदस्य 27 घंटे तक दिन रात मेहनत करते हैं, ये जानते हुए जॉन तक पहुंचना कितना जोखिम भरा काम है। लेकिन रेस्क्यू टीम ने इसकी परवाह न करते हुए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं जॉन भी 27 घंटे अपसाइड डाउन पोजीशन में खुद से लड़ता रहा, इसी उम्मीद में कि मैं सही सलामत बाहर निकल जाऊं, जहां उसकी फैमिली उसका इंतजार कर रही थी। ये वाकई में काबिले तारीफ काम है। हिम्मत की दाद देनी होगी पूरी रेस्क्यू टीम को, जिन्होंने सब कुछ जानते हुए भी उस जगह गए जहां अगले पल का मालूम नहीं था। वहीं जॉन की भी सराहना करनी होगी, जिनका डॉक्टर्स टीम ने कहा था इस पोजीशन में 8 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन जॉन तो पूरे 27 घंटे तक केव के साथ लड़ा। आज अफसोस है जॉन हमारे बीच में नहीं रहा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो में की गई मेहनत आपको पसंद आई होगी। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे में हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्री वीडियोस को बनाने में हफ्ते भर का टाइम लग जाता है।